आई है अरुणाचल में पांगिन के पास पीटी के ऑफ रोडिंग के मजे। ये देखो पानी पानी रे भाई, गाड़ी का क्लियरेंस है। दबाए पड़ो उस्ताद, दबाए पड़ो। अखिलेश का फ्रेज, मौसम औसम हो रहा है। कभी टाइम पे मत पहुंचना अंकल। खोल सोनी जी, टाइम पे आ जाए ये हो नहीं सकता, और हम टाइम से निकल जाइए हम होने नहीं देंगे। अरे मैं टाइम पे था। हाँ हाँ ना, वही तो बात कह रहा हूँ, तुम टाइम पे थे, हो नहीं। टाइम पे मैं एटीएम ही था। बाप रे बाप, करते करते नहीं। सो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से निकलते हुए, और सुबह के मैं बड़ी मुश्किल से फ्लाइट पकड़ा, पता है अनमिस हो जाती है। इतना भीड़, पूरा T3 का नीचे जो पूरा वो है ना रैंप है गाड़ियों का, वहां से जाम, पता क्या होगी, गाड़ी खराब हो गई, ठोक दिया किसी ने, टैक्सी वाले ने। फ्री की कौन सी गाड़ी होती है? तुम्हारा तो सही में नाम बाबू भाई रख देना चाहिए। किस्मत देखो, 80 पे बीपीप करती है, उसके बाद 80 पे बीपीप करती है, 90 पे फिर बीपीप करती है, और 100 पे और बीपीप। अच्छा, और 110 पे गाड़ी बंद हो जाती है। गजब बेइज्जती है। 110 पे और क्या कर दिया भाई, कैसा गाड़ी बना। जैसे हमें चाहिए होता पानी, वैसे गाड़ी को भी देना होता पानी। सोनी सोनी पिलाएगा पानी, फुल पानी पिला दे रहे भाई, इसको फुल पानी पिला दे। आजकल तो वैसे भी 102 रुपए यार, मोदी जी की क्या बात है, हैं कितने रुपए का तरक्की कर रहे हैं पेट्रोल की प्राइस में, तो 102 रुपए हैं। 102। अरे मत पूछ यार, मैं तो दिल्ली में गाड़ी निकालने से डरता हूँ। 102.102097। जी हमको मिल गया, हम इनको जबरदस्ती अपना सब्सक्राइबर बना रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। हो गया, चले चले जी अनिकेत जी, थैंक यू। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं बोगी बिल ब्रिज पे। ये बड़ा सिग्निफिकेंट ब्रिज है, बहुत सारे कारण हैं, लॉट्स ऑफ रीजंस। फर्स्ट, अरुणाचल और बाकी देश के कनेक्टिविटी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिस्टेंस और टाइम दोनों कम कर देता है। सो बाकी देश, हाँ बाकी देश ऑब्वियसली आसाम से होगी कनेक्ट। तो सो लाइफ एंड लाइवलीहुड दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आप इमेजिन कर सकते थे, इससे पहले ये ब्रिज बनने से पहले सोनी जी कितना समय लगता था लोगों को, अगर मान लो डिब्रूगढ़ आना होता तो ईटानगर से कम से कम और तीन चार घंटे का जर्नी और होता था। अभी ईटानगर से डिब्रूगढ़ आने में कितना समय लगता है सर? आप सुबह निकले थे, चार घंटा पहले 8-1 घंटे तक लग जाते थे। तो आप सोच ही सकते हैं लाइवलीहुड यानी ट्रेड के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है, और लाइफ, जितने मेडिकल इमरजेंसी केसेस होते हैं जो नहीं हो सकते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी का एक ऑप्शन है। सो एनीवेज, ये एक सिग्निफिकेंस है। दूसरा सिग्निफिकेंस है, ये एशिया का शायद 5वां सबसे लंबा ब्रिज है जहाँ तक मुझे पता है। सो ये एक ऐसा ब्रिज है जहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऊपर अभी दिख नहीं रहा है, ऊपर यहाँ पर रेलवे लाइन है, थोड़ी देर में दिखेगा। और ये रेलवे लाइन ब्रिज जब चलेगा रोडवेज रोड वाले ब्रिज के नीचे से गुजर जाएगा, अभी थोड़ी देर में आपको एक जंक्शन दिखेगा, वहां पर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। सो ये है इम्पोर्टेंट। और इस ब्रिज का लेंथ अभी ग्राफिक्स में आपके सामने आ जाएगा कितना है।
तो ये है पॉइंट जहां पर रेलवे लाइन जो है रोडवेज के नीचे से गुजरती है पूरे ब्रिज में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ रेल रोड ब्रिज। समाप्त। सो जो लोग इस रूट से जा रहे हैं पासीघाट तरफ, यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा रेस्टोरेंट, मुझे लगता है रहने का भी जगह है, लॉजिंग बोर्डिंग दोनों, इसका नाम है माइहान। खाना बहुत ज़बरदस्त है, हम जब भी आते हैं यहाँ पर ज़रूर रुक के खाना खाते हैं, और गर्मा गर्म, इतना गर्म कि खाने में उंगलियाँ तक जल जाती हैं। सो गर्मा गर्म खाना, गुड टेस्टी फूड, यू कैन ऑलवेज कम। यहाँ ज़्यादातर लोग जो वीकेंड्स में आते हैं यहाँ पर आके अपना खाना वाना खाते। देखिए पीछे से आपको कुछ दिखना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये देखिए सुंदर सा खाना, लेकिन बहुत वाकई में ज़बरदस्त है। अगर आएंगे तो आँख बंद करके यहाँ पर खा सकते, मेरा मतलब आँख बंद करके मत खाइएगा, आँख बंद करके विश्वास करके खा सकते, खाने का क्वालिटी में कोई आपको कमी नहीं मिलेगा। So, अब हम बढ़ चलते हैं पासीघाट तरफ। Let us go. गाड़ी चलाओ तुम, गाने के बोल याद नहीं आते इस टाइम। ला 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 लेने सोनी सिंगल लेने, लेकिन इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल भी आसमान के बैकड्रॉप में हमें ड्राइव करने का मजा है, कुछ ड्राइव पे जाने का मजा है। ये पहाड़ आ गए, मतलब समझ लीजिए अरुणाचल शू। हाँ, ताकि हमको ये रोड फिर से दिखे। अरे क्या जबरदस्त लगा है, टार्जन याद आ रहा था भाई तुझे, ये पेड़ देख के टार्जन कैसे हो, टार्जन सुने, ओ माय टार्जन, तो तुम्हें टार्जन याद आ रहा, क्यों कट कर याद आ रही है याद है, टार्जन छलांग का हो जाएगा कुत्ता है। टार्जन छोड़ो, हमको तो यार ये सफेद सफेद बादल, नीला आसमान और हरे पेड़ और काला रास्ता, क्या जबरदस्त, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक बार फिर से अखिलेश का फ्रेज, मौसम औसम हो रहा है। तो शाम ढल गई है, सोनी जी के गाने जो है एक के बाद एक निकले जा रहे हैं। ओके जुदा, पता नहीं किसके साथ वादा करके आए हैं वो याद कर करके गा रहे हैं। एनीवेज
हम लोग डिब्रूगढ़ से लगभग 150 किलोमीटर आगे निकल आए हैं। वी हैव क्रॉस पासीघाट और अब पहाड़ शुरू होता हुआ, पहाड़ों से हमारा पहाड़ों वाला रास्ता शुरू हो जाएगा, आठ सेक्शन है ना। सो अब आलो से अभी हम लोग अभी भी लगभग 100 किलोमीटर दूर हैं, सो 100 किलोमीटर्स। लेकिन इशू ये है कि रास्ता जो है जगह जगह पर बंद रहेगा क्योंकि कुछ कुछ लैंडस्लाइड्स हुए थे। सो जो कि नॉर्मली 3 घंटे का जर्नी है और हमको 7 बजे आइडियली, अभी बज रहे हैं 4:30, तो 7:30 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था। अभी प्रडिक्टिंग एनी काइंड ऑफ एंड टाइम और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इज वेरी फ्रॉट विथ रिस्क। ये देखिए आ गया है हमारे सामने, तो दुकानें भी आ गए, उनको कोक भी दिख गया है सोनी जी को, सोनी जी जाएगा तो आगे मिलना मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जाओ डॉन, जाओ डॉन, कोक जाके लेकर आओ कोक। तुम पता चला रास्ते में फंस गए, कोक से गुजारा, कोक पीते के कोक, कोक से चिप्स। सो अभी पिछले कुछ दिनों में मैं लाहौल स्पीति वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा, वो जो बेसिकली हम लोग गए थे फॉर ट्रैवल, बट दिस ट्रिप इज़ रियल डिफरेंट। ये ट्रिप जो है अरुणाचल का थोड़ा अलग है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आलो में। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि थोड़ा मैं आप लोगों को मिलवा सकूं कुछ ऐसे लोगों से जो अपने ही समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं और कुछ कुछ काम उन्होंने किया है। सो उनसे मिलवाने ले जा रहा हूँ। अक्सर हम लोगों को लगता है, मतलब हम गरीबी को यूनिडिमेंशनल मान लेते हैं। अक्सर हमको लगता है गरीबी से हमारे दिमाग में कुछ प्री डिटर्मिंड चित्र आने लगते हैं, बट एक्चुअली गरीबी ऐसा होता नहीं है। गरीबी मल्टीडिमेंशनल है। कहीं पे इसलिए गरीबी है कि हेल्थ सर्विसेज नहीं है, कहीं पे इसलिए गरीबी है कि एजुकेशन अच्छा नहीं है, कहीं पे इसलिए गरीबी है क्योंकि, अच्छा सोनी जी भी आ गए वापस चलते चलते, तो कहीं पे इसलिए गरीबी है क्योंकि जिस तरीके के सरकारी योजनाएं और जो नागरिक अधिकार मिलने चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पाते हैं, कहीं पे इन सबके ना होने की वजह से गरीबी है। सो ऐसे सूरत हाल में लोग क्या कर सकते हैं? सो यही चीज़ जानने के लिए हम लोग आलो जा रहे हैं। आलो में पिछले लगभग 6 महीने पहले से मैं एक महिलाओं के फेडरेशन से जुड़ा हुआ हूँ जो कि चाहती है कि वो उनसे जुड़े हुए जो परिवार हैं आलो में, उन परिवारों के बेहतरी के लिए, उनका जीवन बेहतर हो सके, सिर्फ उन्हीं परिवार नहीं उस पूरे इलाके के लिए कुछ बेहतर काम कर सके, उसके लिए फेडरेशन इनफैक्ट बना नहीं है, बन रहा है। क्योंकि अभी उनका वो दौर चल रहा है जबकि वो एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, अपना सोच को इकट्ठा कर रहे हैं, एक सोच बना रहे हैं कि हमको क्यों एक जगह आना है, ज़रूरत है भी कि नहीं, अपने परिवार को लेके, अपने गांव को लेके, और उन सपनों को कैसे साकार करने के लिए वो क्या क्या योजनाएँ बना रही हैं, किस किस से मतलब हाथ मिलाना चाह रही हैं, चाहती हैं, किन से गठबंधन बना रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी वो लोग कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक व्लॉग या एक सीरीज़ ऑफ व्लॉग, तो ऑब्वियसली देर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रैवल इन्वॉल्व, तो वो ट्रैवल का मज़ा तो है ही, साथ ही साथ इसका ये भी मज़ा आप लोग देखें कि भाई किस तरीके से महिलाएं एक जगह आती हैं और किस तरीके से वो अपना पहले सपना देखती हैं, सपने को संजोती हैं और उस सपने को साकार करने के लिए अच्छे अच्छे योजनाएँ बनाती हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ अपना अनुभव बांटती हैं और कैसे अपना ही रास्ता खुद वो तय करती हैं। सो इस व्लॉग का, इस सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स का यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं ये चीज़ दिखाऊं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि क्योंकि अरुणाचल अपने आप में ही एक बहुत सुंदर राज्य है, हर कोना उसका देखा जाए तो सुंदर है और घूमने लायक है। आलो भी ऐसा ही एक जगह है और आलो जाते हुए जो ये पांगिन और पासीघाट से पांगिन होते हुए जो रोड है, ये भी अपने आप में बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर रोड है, बहुत सीनरी है। अनफॉर्चुनेटली आज तो हम रात में निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी आज आते हुए हम लोगों ने इतने सुंदर सुंदर सीन्स देखे हैं ढलते हुए शाम में, गोल्डन सनलाइट में।
पासीघाट से लेके आलो तक रास्ता ऐसा ही है, बस फर्क यह है कि पांगिन के बाद रोड जो है वो और खतरनाक हो जाएगा, खतरनाक इन द सेंस गड्ढे गुड्ढे बहुत बढ़ जाएंगे। एनीवेज उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमको रोका कहाँ जाता है। अभी तो कुछ कुछ गाड़ी आती भी नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि छोड़ा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये देखिए, ओहो हो क्या कलर है यार, अभी जो ब्लू था वो अब धीरे धीरे लाल होता हुआ, ग्रेइश होता हुआ, जैसे जैसे शाम ढल रही है। चलते चलते अचानक याद आया कि थोड़ा टाइम भी देखें, अनबिलीवेबली अभी सिर्फ 6:45 भी नहीं बजे, 6:20 है और अंधेरा ऐसा छाया हुआ चारों तरफ। सो ये एक मेजर चेंज होता है जब भी नॉर्थ ईस्ट आते हैं, यहाँ टाइमिंग जो है शाम जो है बहुत जल्दी हो जाती है। सही बात है। सो आपको ना डिफरेंस आसाम और अरुणाचल, दो हम एक दूसरे के करीबी ये है स्टेट है, फिर भी डिफरेंस आपको सीधा नजर आएगा। अच्छा अच्छा, सो आसाम और अरुणाचल में भी डिफरेंस। हमारे लिए तो खैर दिल्ली से आते हैं, हमारे लिए तो अभी 6 बजे तो थोड़ा थोड़ा उजाला रहता ही है, सर्दियों की बात अलग है, बट अभी तो क्या है 6:45 शाम के और देखिए पूरा अंधेरा, और इस अंधेरे में कि नए नए बनाए हुए रोड में, क्योंकि ओरिजिनल जो रोड है जो बढ़िया रोड था वो पूरा लैंडस्लाइड में डैमेज हो चुका है, तो जब तक उसको रिपेयर नहीं करते हैं तब तक ये जुगाड़ रास्ता बना हुआ है, जिस जुगाड़ रास्ते से हमको जा निकलना पड़ रहा है। थैंक गॉड इट्स नॉट रेनिंग, बिकॉज अगर ये यहाँ बारिश हुई तो यहाँ पर चलाना जो है और भी चैलेंज जो है वो बढ़ जाएगा, फिर हम लोग ऑफ रोडिंग नहीं, फिर हम लोग रैली कर रहे होंगे। बट एनीवेज, सो दिस इज अनदर डिफरेंस व्हेनेवर यू कम टू द नॉर्थ ईस्ट, अपार्ट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस रोड और ये सब, टाइम जो है वो जो है बदलता रहता है, टाइम जोन जो है बदल जाता है। आई है अरुणाचल में पांगिन के पास पीटी के ऑफ रोडिंग के मजे, ये देखो पानी पानी रे भाई, गाड़ी का क्लियरेंस है, दबाए पड़ो उस्ताद, दबाए पड़ो। ये वाला देख के मुझे याद आया जब बॉमिक को हमको जेसीबी से खींचना पड़ा। अरे यार वो मना करे, ऐसी स्ट्रीम था ना और पूरा बर्फ वाला पानी, वो बीच में बोला मैं वापसी में जाऊंगा ही नहीं वहां से, मैंने कहा तू रात में क्या छोड़ेगा तुझे चंदलताल के पास अकेले, क्या रुकेगा यहाँ पर, कहते नहीं नहीं जाना मैं ही हूँ। फिर बाय चांस वहां से जेसीबी आ रहा था, सो जेसीबी में बहुमेक और हम तीनों चढ़ गए, सो उसने वो नाला पार किया, गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी थी, बैठे और निकल लिए। दैट वाज सम एडवेंचर। सो जिन लोगों ने वो मिस किया है वो जरूर देखिए स्पीति सीरीज, जेसीबी ने जान बचाई। अंधेरे में पता नहीं चला लेफ्ट है कि राइट, ये पुराना रोड लग रहा है ना, पता नहीं यार कटिंग रोड है, कौन सा पुराना रोड कौन सा रोड, कहीं ना कहीं तो उतर ही जाएंगे हम, कहीं ना कहीं उतर ही जाएंगे, क्या मतलब हमको आले जाना है, अरुणाचल का बेस्ट पार्ट है, कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं से आप सही रास्ते में वापस आ जाओ। टाइम कंज्यूमिंग इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज दिस, सियान वेस्ट ईस्ट, ओह देयर इज ओनली वन सियान, इज इट फनी, द फनी पार्ट अबाउट दिस अबाउट क्रिएशन ऑफ सियांग इज There was this Siang district initially, okay? शुरू में बस सियांग हुआ करता था, सियांग से निकला ई सियांग वे सियांग, उसके बाद सियांग मर गया था, उसके बाद इस बार फिर उन्होंने जोड़ दिया, पूर्ण जीवन धारण कर लिया है सियांग ने, फिर हम सब एक हैं, हम वापस सियांग बन गए, लेकिन इसमें लेपारादा भी तो अलग कर दिया ना, लेपारादा बाइफरकेट हुआ है वेस्ट। ओए कितने घंटे के जर्नी के बाद पहुंचे भाई, सुबह के 12 बजे निकले थे दोपहर को, अभी बज रहे हैं 8, ओह शिट 8 घंटा पता भी नहीं चला, पूरे 8 घंटे के सफर में कुल मिला के 250 किलोमीटर कवर किया।